होली के मौके पर राजधानी पर आतंक का साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने होली पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद दिल्ली के अलावा असम और पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली के होटल और हॉस्पिटल्स को आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एक पूर्व पाकिस्तानी सैनिक 6 आतंकियों के साथ पंजाब में पठानकोट से सीमा में दाखिल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 23 फरवरी को पंजाब के पठानकोट से रावी नदी के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। इससे पहले 1 जनवरी को 6 आतंकी भी इसी रास्ते से घुसे थे और पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया था। इस इनपुट के बाद होली के मौके पर खास अलर्ट है। हालांकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ये रूटीन अलर्ट है। वैसे जब भी कोई त्यौहार और पर्व आता है सामान्यतः अलर्ट जारी किए जाते हैं कि ताकि लोग सावधान रहें बस, लेकिन भारत सुरक्षित है, भारत है और सुरक्षित रहेगा।